अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश सीखने के लिए क्रिकेट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी बहन को जरूर सपोर्ट करें। टू मी मीन्स के मेरे मुताबिक, टू मी मेरे मुताबिक, आई बिलीव मुझे यकीन है, बिलीव मीन्स यकीन, आई बिलीव मुझे यकीन है। आई वुड से मीन्स के मैं कहूँगा, आई वुड से इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन मेरे ख्याल से, ओपिनियन मीन्स ख्याल, ठीक है। आई असम मैं फर्ज कर देता हूँ, आई असम तो मैं फर्ज कर लेता हूँ। आई फील दैट मुझे लगता है कि, ठीक है। आई गैस मुझे लगता है, मतलब गैस मीन्स के अंदाज़ा लगाना। तो चलिए अब इन सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करते हैं। टू मी मेरे मुताबिक, टू मी मेरे मुताबिक, आई बिलीव मुझे यकीन है, आई वुड से मैं कहूँगा, इन माय ओपिनियन मेरे ख्याल से, आई असम मैं फर्ज कर लेता हूँ, आई फील दैट मुझे लगता है कि, आई गैस मुझे लगता, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद है, इट इज़ माई व्यू, ये मेरा नज़रिया है। इट इज़ माई व्यू, ये मेरा नज़रिया है। उसके बाद है, टू माई वे ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग मीन्स के ख्याल, सोचने का अंदाज, ठीक है। टू माई वे ऑफ थिंकिंग मेरे सोचने के अंदाज़ा में, ठीक है। आई कंसिडर मैं गौर फिक्र करता हूँ, कंसिडर मीन्स गौर फिक्र करना। If you ask me, अगर आप मुझसे पूछें, ask me पूछना, ठीक है, कुछ भी। If you ask me, अगर आप मुझसे पूछें, as far as I can tell, जहाँ तक मैं बता सकता हूँ, from my point of view means है मेरा नुक्ता नज़र, point of view means नुक्ता नज़र, ठीक है। आई आसम मैं फर्ज कर लेता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो थी हमारी शॉर्ट सी और अच्छी सी, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपनी बहन को सपोर्ट करें। और हाँ, कराची का ज़बरदस्त व्लॉग भी आने वाला है, जो आपको जल्द मिल जाएगा, ठीक है।